आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ मार्ग से लोगों के द्वारा किया गया अतिक्रमण हटाना जरूरी है, जिससे कांवड़ यात्रा सकुशल व आराम से संपन्न हो सके। सिटी मजिस्ट्रेट व नगर पालिका की टीम ने शिव चौक, भगत सिंह रोड, अहिल्याबाई चौक आदि जगहों से अतिक्रमण हटवाया था और कुछ दुकानदारों ने जुर्माना भी वसूला गया था। आज इस बात का विरोध करते हुए नगर के शिव चौक स्थित शिव मार्केट के व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों को बंद रखते हुए विरोध प्रकट किया और बताया कि कल जितना प्रशासन और नगर पालिका की टीम ने हम दुकानदारों से 5,000 तो किसी से 2,000 रुपए का अतिक्रमण के नाम पर जुर्माना वसूला गया है। और साथ ही बताया कि दुकानदारों को बिना वजह किया जा रहा है। हम सभी लोगों की छोटी छोटी दुकानें हैं, हम सभी की दुकानें हैं, अगर हम सामान बाहर न रखें तो कहां रखें। अब हम सभी दुकानदार परेशान हैं। कल इस मार्केट में से 12 लोगों का चालान काटा गया। हम चाहते हैं कि हमें प्रशासन थोड़ी छूट दे, जिससे हम सामान रख सकें। मुजफ्फरनगर से रोहित त्यागी की रिपोर्ट। मेरा नाम बिट्टू धनेजा। बिना उसके परेशान किया जा रहा है दुकानदारों को। छोटी छोटी दुकानें हैं दुकानदारों की, दीवारें बनी आगे, दीवार बनने के उसका बरामदे में चलने की कोई जगह नहीं है किस तरह की। उसके बावजूद भी दुकानदारों को 5,000 रुपये जुर्माने लिए गए कल। उसको आगे बोला कि 10,000 के लिए जाएंगे अगर सामान रखोगे बाहर। अब सामान ना रखे तो कहाँ जाएँ। छोटी छोटी दुकानें हैं हमारी बहुत, अब दुकानदार परेशान हैं कि करें तो क्या करें। करीबन यहाँ से 10-12 लोगों का चालान कटा है इस मार्केट में से, प्रशासन द्वारा, सिटी मजिस्ट्रेट से, SHO था ना, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा। अब ये जब तक बोलेगी, जब तक कोई हल नहीं निकलता। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन हमें थोड़ी सी छूट दे आगे सामान रखने की, दुकानें खोलने के लिए परेशानी हो, बैठने की जगह आगे मिलनी चाहिए थोड़ी सी। उसमें हम हर तरह से सहयोग देने को तैयार हैं, हमें किसी तरह की उसमें वो नहीं है। हम कहोगे दुकानें बंद रखेंगे, जब तक कहोगे आप, प्रशासन कहेगा दुकान बंद रखो, बंद कर देंगे हम 8 दिन के लिए। उसमें बरामदे में कोई पब्लिक चलने का कोई सुविधा नहीं है। शिव चौक पर शिव